नमस्कार, मैं हूं गरिमा। स्वागत है आपका दस्तक लाइव में। आइए बढ़ते हैं इंदौर की खबरों की ओर। पर्यटन संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि धर्मांतरण ही राष्ट्रांतरण है, जिसके लिए कठोरतम कानून बना है। इस तरह की विभत्स घटनाएं मध्य प्रदेश में नहीं चल पाएगी। देश को तोड़ने में जो लगा हो, ऐसे असामाजिक तत्वों को सारा फंडिंग मिशनरी ही करती है। हमने मऊ क्षेत्र में 70 एकड़ जमीन छुड़वाई, क्योंकि कभी शिक्षा के नाम पर, कभी स्वास्थ्य के नाम पर लोगों से सेवाएं देकर धर्मांतरण का शिकार बनाते हैं। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष कल सिंह बाबर ने कहा कि ऐसे कई संगठन है जो समाज को तोड़ने का काम करते हैं और विधर्मी बनाते हैं और फिर देश को तोड़ने का काम करते हैं। मुस्लिम और ईसाइयों का मकसद है धर्म परिवर्तन करवाएं। इनका मकसद ये है कि आदिवासी समाज को तोड़कर देश को तोड़ना चाहते हैं, धर्मांतरण के बाद मतांतरण और फिर राष्ट्रांतरण करवाते हैं। समानता लागू हुई तो बाकी कई सारी तकलीफें अपने आप ही समाप्त हो गई। उसके लिए तो हमारी पार्टी ने क्या नहीं किया। अभी मेरे अकेले महू में हमने 450 पट्टे बांटे हैं, जो पट्टों से अभी तक वंचित थे। सारी योजनाएं, चाहे वो आयुष्मान भारत हो, बच्चों की पढ़ाई हो, आदिवासी बच्चे बाहर जाके पढ़े तो उनकी ट्यूशन फीस हो, वो यदि हॉस्टल में जगह नहीं है तो जिस घर में रहते हैं उसका किराया हो, छात्रवृत्ति हो, हायर एजुकेशन की बात हो, हर बात के लिए ये संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय की साधक है। और यदि सबसे ज़्यादा चिंता व्यवहारिक धरातल पर कहीं हो रही है तो मध्य प्रदेश उसमें सबसे अग्रणी है। ये वित्तीय स्रोत आप जानते हैं, केंद्रीय स्तर पे भी कठोरतम कार्यवाहियां चल रही हैं, सब धीरे धीरे बेनकाब हो रहे हैं। बहुत दिन तक ये गोरख धंधा अब इस देश में कोई चला नहीं पाएगा। आप एक अलग मंत्रालय से पूरे मामले से अपने एक सवाल, अभी लॉकडाउन खुलने के बाद कर रहा है जी। देखिए, भीड़ कितनी भी आए पर हम तो, जैसे मान लीजिए जिस जो डिस्टेंसिंग रखनी है, आधा ही होटल देना है तो आधा ही देंगे, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते। सारे कमरे हम बुक नहीं कर सकते। हमने हमारे सारे कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया, वो हॉस्पिटलिटी हो, साफ सफाई वाले हो, वहाँ के खान सामा हो, सब इस बात के लिए पूरी तरह ट्रेंड हैं कि कैसे अतिथियों को कोविड से मुक्त रखते हुए हम उनकी सेवा कर पाए। मेरा सवाल है, आपको जो जवाब दे रहे हो, आपने अपने होटल तक सीमित रखा है। मेरा ये कहना है, जो पर्यटन स्थल हैं वहाँ पे क्या कोई संख्या तय की जा रही है या की जाना चाहिए? बंधु, मुझे लगता है कि दो बार की लहर में नागरिक जो एकदम कुंठित हुआ, अब ये मैं पूरे प्रदेश और देश के भाई बहनों को प्रार्थना कर सकती हूँ कि एकदम इतना भीड़ किसी भी स्थान पर मत बढ़ाइए, क्योंकि यदि हम सब ने ही अपना संयम खो दिया तो हम कहीं सब तीसरी लहर को आमंत्रित नहीं कर बैठे। प्रभु ना करे कि तीसरी लहर आए। शासन प्रशासन सब युद्ध स्तर पर तैयारी में जुटा हुआ है। तो नागरिक भाई बहनों से भी प्रार्थना है कि मनोरंजन इतना तो जरूरी नहीं, जीवन बहुत जरूरी है। थोड़ा बाद में घूम लेंगे भाई, आसपास घूम लो, सुबह चले जाओ, शाम को वापस आ जाओ। सबसे करबद्ध प्रार्थना है, अब हमारा तो विभाग है सबको बुलाने के, आमंत्रित करने का, पर हम भी बड़ा दिल रख के प्रार्थना कर रहे हैं कि एकदम इतनी बड़ी संख्या में पर्यटन के लिए भाई बहन किसी भी स्थान पर एकत्रित ना हो। भैया, मैं सोचती हूँ कि समान नागरिक संहिता किसी भी देश की पहली अनिवार्य आवश्यकता है। समान नागरिक संहिता के बिना ये देश, महापुरुष या क्रांतिकारी जिस देश की कल्पना करते थे, हम उसको वैसा नहीं बना पाएंगे। और मेरी तो, आप जानते हैं, मैं विधानसभा एक में जब पहली बार विधायक बनी, मेरे यहाँ तो आज भी हजारों हजार बहनें, आप जानते हैं ना, यूपी साइड के लोग पहचानते होंगे, दुर दुरैया का एक व्रत किया जाता है पति के सौभाग्य के लिए, घर की सुख शांति के लिए। हमारे यहाँ हजारों बहनें, राष्ट्र में समान नागरिक संहिता लागू हो इस बात के लिए भी साल भर में एक बार मातृशक्ति दुर्दैया करती है।
और मुझे लगता है कि प्रभु ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया और शीघ्र ही इस देश में समान नागरिक संहिता लागू होगी, जो देश की एकता अखंडता अस्मिता के लिए सबसे अनिवार्य शर्त है। भाई बाबूलाल राठौर, उनके नाम पे वो एक खाली प्लॉट है वहाँ का, उस खाली प्लॉट पर पता नहीं कब से, मुझे इस बात में माँ जाके उन लोगों के भी डांट लगाई कि कब से डर रहा था, तुम आज बता रहे हो। पता चलता है वहाँ का जो सरपंच है उसकी सहमति से, जो वहाँ के होते हैं दमदार लोग गुंडागर्दी वाले उनकी सहमति से रातों रात वो चुपचाप टैंकर वहाँ खाली करके जाते। अब जब तक जमीन सोखती रही तब तक तो बर्दाश्त रहा, जब जमीन की क्षमता खत्म हुई तो नदी में दिखा, जब नदी में दिखा तो ग्रामीणों ने चिल्ला पुकार करी क्योंकि उनके जानवर गाय वो पानी पी के मरी, एक गाय, अब वो किस वजह से मरी उसका भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट मंगा रहे। कल सिंह भामरे जी मेरे जाबुआ के रहने वाले, वहाँ भी एक गए, वहाँ की भी एक केमिकल फैक्ट्री से इसी प्रकार का पानी निकलता था जहाँ बड़ी संख्या में भैंस, हिरण, नील गाय सब मरे। तो निश्चित रूप से ये जहरीला पानी दुखदायी है, ये चिंता करते हुए कठोरतम कार्रवाई के आदेश दिए। जिसकी जमीन थी उस पर FIR हुआ, उसने कोई नालछा के चंदर राठौर को किराए पे दी थी उस पर FIR हुई। चंदर राठौर को पकड़ा तो उसने बताया कोई कालू गोखले है वो टैंकर लाता और यहाँ पर डालता, उसको पकड़ा, अभी उसी से पूछताछ जारी है। पर वो बीमारी का और मानव अधिकार की आड़ लेकर कि उसको अभी एक थप्पड़ भी मारेंगे तो पूरी पुलिस फंस जाएगी और हम सब पे भी खाएंगे। वो बोलता मेरे इतने बाईपास हुए, मेरे को इतनी बीमारी है पड़ा, उसको आप एक थप्पड़ नहीं मार सकते। हमने कहा भाई देख सीधे से बता, तू कहाँ किस फैक्ट्री से ये जहरीला पानी ला रहा था, वो तो तू जानता ही होगा ना, तेरा टैंकर भर के लाता है, ये तो तुझे बताना ही पड़ेगा। अब जुडिशियल न्यायालय जाना पड़ेगा शायद हमको भी, कि यदि कोई अपराधी कैंसर से पीड़ित है, उसके हार्ट के बड़े बड़े ऑपरेशन, तो क्या उसका अपराध दंड नहीं होगा जी? जब तक शुद्ध नहीं होंगे हम कोविड जैसी महामारियों से भी पीछा नहीं छुड़ा पाएंगे, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण के प्रदूषण ने ही ओजोन की परत को छेद को बढ़ाया। कभी इबोला, कभी चिकनगुनिया, कभी स्वाइन फ्लू, कभी कोरोना, एक दौर भगवान न करे तीन आई। इस उद्देश्य से नदियों का पुनर्जीवन, कुछ बंजर पहाड़ियों को चिन्हित कर रहे हैं, वहाँ ऑक्सीजन पार्क बनाने जा रहे हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं एक एक सांस की कीमत हमने देख ली, और जब कृत्रिम ऑक्सीजन जुटाई हम लोगों ने तो अब एक चिंता ये भी है कि ये सब कार्बन उत्सर्जन करेंगे तो इनके कार्बन उत्सर्जन को भी नियंत्रित करने के लिए हमें हरियाली के प्रतिशत को युद्ध स्तर पर बढ़ाना ही पड़ेगा। तो हम ऐसी पहाड़ियों को चिन्हित करके ग्रीन इंडिया बैम्बू मिशन के तहत वहाँ बैम्बूज लगाएंगे, स्वयं सहायता समूहों को रोजगार भी बड़ी संख्या में उपलब्ध होगा। इस समूची रचना से आपको परिचित करने के लिए आज यहाँ पर आमंत्रित किया था। मेरे साथ अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष मेरे प्रिय भाई कल सिंह भामर जी मौजूद हैं, मेरे साथ मेरे मंडल के अध्यक्ष पुंजालाल जी निनामा मौजूद हैं, और आज हम सब भाई बहन ये विषय लेकर ही आपके पास आए हैं कि हम प्रकृति, मिट्टी, पवन, पानी की शुद्धता के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है, और ऐसी बातों को कैसे हम युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाएं इसके लिए हम सब चिंतित हैं। अभी कुछ दिन पहले अजनार नदी में विषैले पानी को फेंकने की एक सूचना मिली, मैं तत्काल उस स्थान पर मानपुर में पहुंची, मेरे साथ जिला पंचायत CO हिमांशु जी भी थे। हमने देखा सचमुच बहुत गंभीर स्थिति वहां पर थी और भयानक काला पानी वहां से निकल रहा था।
हमने मध्य प्रदेश पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी वहां आमंत्रित किया। उन्होंने जब देखा और वहां के मिट्टी और पानी का परीक्षण कराया तो स्थिति सचमुच चिंताजनक थी। तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने TSDF रैमकी नाम की एक संस्था को वहाँ के जो दूषित मिट्टी है उसके निवारण का काम सौंपा है। बंधु धर्मांतरण ही राष्ट्रांतरण है और संगठन से ये पार पढ़ते आए और जड़मूल से समाप्त हो, इसीलिए कठोरतम कानून भी बना। और निश्चित रूप से ऐसी विभत्स घटनाएं इस प्रदेश में तो नहीं चल पाएंगे। ये स्थिति ये है, देखिए मैं आपको बताऊं कि जो योजनाबद्ध तरीके से आते हैं संगठन, हमारा स्थानीय एक भी व्यक्ति उनके साथ शामिल नहीं है। वो बाहर से कहीं से किराए के कुछ लोगों को साथ लाते हैं और अपने आंदोलन को हवा देते हैं। इसमें एक बहुत बड़ा जो शुरू से माना जाता है, कोई बात कही जाती है, इसमें शायद इसलिए बहुत ज्यादा जी जी आप लोग भी खुल के कहते हैं सरकारों ने बड़ी बड़ी उन्हें जमीन दी, सारा फंडिंग, ये जो असामाजिक तत्व ही कहूंगी मैं तो, जो इस प्रकार देश को तोड़ने में लगा हो उसको और क्या संज्ञा दी जाए, उनको फंडिंग मिशनरी ही कर। जो आपने जमीनें लीज पे दी हुई है भले ही पुरानी सरकारों ने दी हुई है, वो भी एक बार वापस से जांच करने जाए, सबको जमीन वापस ले जाए। हमने कराई है, हमने महू में 70 बीघा जमीन छुड़वाई है जहाँ आंगनबाड़ी बन रहा है पुंजालाल खुर्दी पंचायत में, और वहाँ हम एक गौशाला बहनों के स्वयं सहायता समूह को बनाकर समर्पित कर रहे हैं। अभी तक षड्यंत्र पूर्वक हायर सेकेंडरी स्कूल्स के क्या क्या पीड़ाएं व्यक्त की जाए, ठेकेदार को मिला लेंगे, ठेकेदार बेचारा ईंट डाल के जाए तो उसकी ईंटें उठवा देंगे, ऐसे शैतान लोग। तो अभी वहाँ दो दो हायर सेकेंडरी स्कूल्स चिखली में एक बन रहा है, एक इधर नाहर खोदरा, दोनों हायर सेकेंडरी स्कूल बन के तैयार हो रहे हैं। प्राथमिक चिकित्सा केंद्र चलित चिकित्सालय हमने वहाँ पर चलाया ताकि अपने इलाज के लिए लोगों को मिशनरी के पास ना जाना पड़े, क्योंकि कभी ये शिक्षा के नाम पर और कभी ये स्वास्थ्य के नाम पर ही लोगों को सेवा दे करके और धर्मांतरण का शिकार बनाते हैं। जी हाँ वो उनके पास थी, ये नहीं उनको आमंत्रित नहीं थी प्रशासन की ओर से, जबरदस्ती उन्होंने बाउंड्री वाल बनाकर अपना क्रॉस लगा दिया था। खुर्दा पंचायत है, मानपुर के पास। एक और सवाल था कि कल ही गैस जो है मानपुर में बड़ा प्रोग्राम करने वाला है, जो नदी के प्रदूषण का मामला है उसको लेकर, उससे एक दिन पहले ही आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हो गई है, तो गैस की भूमिका कैसी देखती है? साथियों मैं आपसे आग्रह करना चाहती हूँ, कोई घटना घटी कहीं लापरवाही हो तो हम सब दोषी, पर रत्ती भर लापरवाही नहीं हुई, तुरंत स्पॉट पे पहुंचे, कठोरतम कार्यवाही करवाई, वैकल्पिक व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई। और ये वादा है मेरा महू के उन आदिवासी और उस हर गरीब भाई बहन से कि मेरे रहते अन्याय तुम पे कोई उस जड़ को खोद के मानूंगी, किस फैक्ट्री से वो जहरीला पानी आके वहां डाला जा रहा था, निश्चित रूप से अपराधी नहीं बख्शा जाएगा, ये मेरा वादा अपने उन ग्रामीण भाई बहनों से। कटू मीट्रिक टन मिट्टी निकाल के निराकरण के दिशा में आगे बढ़ी हुई है। बारिश आने के कारण ये काम थोड़ा सा बाधित हुआ था, आज से पुनः डंपरों से वो दूषित मिट्टी को हटाने का काम पुनः जारी। प्रथम दृष्टया जब हम वहां गए कि वो जमीन किसकी है, तो जमीन मालिक ने जिसको किराए पर दिया था वो किराएदार,
और किराएदार जिस टैंकर वाले मालिक के माध्यम से वो टैंकर का पानी पिकवाता था, उन तीनों पे एफआईआर दर्ज हुई है, कठोरतम कार्यवाही के निर्देश हैं। अभी मामला जो रिपोर्ट्स कुछ आनी थी नियंत्रण बोर्ड और इनकी, वो आने के बाद एनजीटी की धाराएं, पानी प्रदूषण की धाराएं भी निश्चित रूप से उन पर बढ़ेंगी ही, और कठोरतम दंड उन अपराधियों को दिया जाएगा जो मिट्टी, पानी और हवा को प्रदूषित करने से नहीं चूकते। ये सब नीति संगत पारदर्शी कार्यवाही हुई है, बावजूद उसके हमारे जनजाति प्रदेश अध्यक्ष इस संदर्भ में आपसे कुछ बात करेंगे और वहां की स्थानीय स्थितियों से पुंजालाल जी निनामा आपको अवगत कराए। वो महू विधानसभा की काली किराए पंचायत है, वहां के 100 कुल 22 परिवार वहां रहते हैं, 146 लोग वहां। जब हम काली नदी को देखने गए तब उन्हें आके आग्रह किया कि दीदी हमारे यहाँ तो लाइट, सड़क, पानी कुछ नहीं। मैंने उनसे कहा कि बेटा महू में कोई गांव ऐसा नहीं है जहाँ लाइट, पानी और बिजली ना हो। बोले हे आप हमारे साथ चलिए। तो एक मजरा है मली, उस मली मजरे में हम लोग जब गए, पूरा ब्रिज पार करके अजनार नदी के नीचे से, तो जब वहाँ पहुँचे तो हमने कहा ये तो वन भूमि है, और आप जानते हैं कि वन भूमि में वन की आज्ञा के बिना ना सड़क बन सकती, ना लाइट लग सकता, ना कोई व्यवस्था हो सकती। फिर भी मानवीय परेशानियों को देखते हुए जिला प्रशासन को आदेश दिया और पानी हमने वहाँ तक भी सब चेक कराया था, तो वहाँ 5,000 लीटर की 2 टंकियाँ रख दी गई हैं, उनका कनेक्शन स्वच्छ पानी जिसका परीक्षण हो गया उससे करवा दिया गया है ताकि पीने के पानी की कोई दिक्कत उनको ना आए। जबकि उन सब के जो मकान हैं वो फूटी तालाब में ऊपर जो राजस्व गांव है वहाँ पर है, वहाँ सड़क भी है, पानी भी है और बिजली। सेवा क्षेत्र में आप सबके स्नेह और फिक्र ने मुझे पहुँचाया वहाँ की जिम्मेदारी ठीक प्रकार से निभा सकूँ। जिस दिन से गई हूँ लगातार मैं कोशिश करूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नगर महू विधानसभा 209, वो बहुत ही खूबसूरत क्षेत्र है और माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि आध्यात्मिक पर्यटन का विकास युद्ध स्तर पर किया जाए, क्योंकि COVID-19 की मानव त्रासदी ने हम सबको भीतर तक झकझोर दिया है। आध्यात्म ही आत्मबल और श्रेष्ठ तरीके से जीवन जीने की पद्धति सिखा सकता है। मैं जब महू पहुंची मेरा प्रण था कि भगवान परशुराम की जन्मस्थली जाना पाओ, महर्षि जमदग्नि की तपस्थली, माँ रेणुका का औषधालय पुनर्जीवित करूँ। और मुझे आज आप सबको बताते बहुत प्रसन्नता है कि 7.5 नदियां जाना पाओ पहाड़ी से निकली हैं। पहले चरण में 3 नदियों के पुनर्जीवन का हमने DPR तैयार कर लिया, गंभीर का काम प्रारंभ भी हो गया। गंभीर, अजनार और बालम नदी, इन तीनों का DPR जिला पंचायत से स्वीकृत होकर प्रदेश की अनुशंसा से केंद्र को पहुंचाया जा चुका है। 17 तारीख को प्रमुख सचिव अजय केचरी जी इसी तारतम्य में इंदौर पधार रहे हैं बैठक लेने, और इन नदियों का स्वीकृति मिलते ही युद्ध स्तर पर पुनर्जीवन के लिए काम प्रारंभ होगा। मैं कहूंगा हर गांव में ये प्रक्रियाएं चल रही हैं। सरकार ने अभी संज्ञान में लिया है, सरकार ने कानून बनाया। अभी क्या कार्रवाई कर रही है अभी तक? धर्मांतरण के ऊपर तो पहले भी रोक थी।
नहीं, पहले रोक नहीं थी, अब कानून बना रहे हैं। बेटा आप तो मेहमान घटना को लेकर क्या कहेंगे? आज भीम सेना का भीम आर्मी के साथ लेकर आजाद मौजूद है, तमाम आदिवासी संगठन वहाँ गए हैं, आप लोग पहुंचे के लिए पहुंचे और जो आपने देखा होगा आपके संज्ञान में, मैं तुरंत जिस दिन ये घटना मालूम पड़ी और जिस दिन वो शव निकाले गए उसी दिन मैं पहुंच गया उस घटना स्थल पर और मैंने देखा जाकर और सारी स्थिति को मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया और त्वरित माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मैंने पहले कहा संवेदनशील मुख्यमंत्री है और उसके ऊपर त्वरित कार्रवाई करें। आपने देखा है उनके मकान को भी हमने तहस नहस कर दिया और उस परिवार को तुरंत 41,25,000 रुपया मुआवजा भी दिया है। ये तो घटना है, ये तो घटना है, इसको आप क्या वो चूंकि समाज से किसी धर्म से या किसी जात विशेष से बिलोंग करते थे इसलिए ये मानते हैं या ये तात्कालिक उनके आपस में विवाद था, क्या मानते हैं? नहीं, ये कोई समाज की देवता के कारण या जाति देवता के कारण नहीं हुआ, ये अनायास उस लड़के को लड़की के संबंध को लेकर ये घटनाएं घटित हुई, किसी जाति या अब बाद में जो पूरी राजनीति हो रही है ये मैंने कह रहे हैं, राजनीतिक लोग हैं ये जो समाज को गुमराह करने का काम करते हैं, वो समाज को गुमराह करके अपनी रोटी सेकने का काम करते हैं। आपको लगता है सीबीआई जांच होनी चाहिए? होनी चाहिए, आप मानते हो? मानता हूँ, सीबीआई जांच होनी चाहिए, जो अपराधी है उसको सजा मिलनी चाहिए। उनको सहयोग करती है, हाँ पूरा पूरा सहयोग करती है कांग्रेस। झाबुआ में चुनाव होने वाले हैं, झाबुआ जिले में चुनाव होने वाले हैं, तब उस टाइम पे मुद्दा उठाया जा रहा, पहले क्यों नहीं कहा? नहीं पहले, हम तो पहले से ही कह रहे हैं, जब से हमारी सरकारें बनी हम तो कह रहे हैं हम इसके खिलाफ कानून कार्रवाई करेंगे, हम तो पहले से कह रहे हैं। ऐसे लोग हमारे जनजाति क्षेत्र में हमारे जनजाति समाज को भड़काते हैं, गुमराह करते हैं और गुमराह करके वो समाज को तोड़ने का काम करते हैं। ऐसे कई संगठन हैं जो समाज को तोड़ने की बात करते हैं, समाज को तोड़कर विधर्मी बनाते हैं, धर्म को खंडित करने का काम करते हैं और जहां समाज टूटता है और धर्म को हानि होती है तो ये देश को भी तोड़ने का काम करते हैं। ऐसे कई विधर्मी समाज हैं, संगठन हैं जो हमारे जनजाति समाज को तोड़ना चाहते हैं। आज अमरनाथ ने भी कहा है कि प्रदेश में आदिवासी पर लगाए गए प्रचार, क्या नहीं कहता? अमरनाथ ने कहा कि प्रदेश सुरक्षित नहीं है आदिवासी समाज के, प्रदेश सुरक्षित नहीं है आदिवासी समाज, आदिवासी समाज के लिए ही प्रदेश सुरक्षित है। बिंदु आज जिन आदिवासी समाज में, जिन आदिवासी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास किया है वो हम सबके सामने है। मैं साक्षी हूँ, जब झापा जैसे जिले में लोग पलायन करते थे, खाने को अन्न नहीं मिलता था, अगर जब से भारतीय जनता पार्टी स्थापित हुई है आज वहाँ के सारे लोग, जैसा हमने कहा था, हर खेत को पानी देंगे, हर गांव को रोड देंगे और हर फलिये में स्कूल देंगे, स्कूल में मास्टर देंगे, हर पंचायत में डॉक्टर देंगे, वो आज गांव-गांव तक स्थापित है और उसका परिणाम आज प्रत्येक खेत में पानी है, हमारा आदिवासी भाई वहाँ खेती करता है और उसको दो वक्त की रोटी मिल रही है। दूसरी बात, हमारे नरेंद्र मोदी जी कितने सजग हैं, उन्होंने कह दिया गरीब को हम अन्न देंगे, आज प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो अनाज फ्री में मुफ्त में दे रहे हैं। आप ये जो अभी कुछ समय पहले अभी कह रहे थे जिन्हें विधर्मी संगठन बता रहे हैं, आप उनको नाम बताइए, उन्होंने जो विधर्मी देश और समाज को बता रहे हैं, क्या कर रहे हैं? उनका मकसद है हम धर्म परिवर्तन करवाएं, चाहे वो ईसाई हो चाहे वो मुस्लिम हो, उन सबका मकसद यह है कि इस देश में अगर कोई समाज शक्तिशाली है, वो अपने कर्तव्य पर अड़िग रहता है, तो वो जनजाति समाज, आदिवासी समाज है।
और उनको तोड़कर वो इस देश को तोड़ना चाहते हैं। वो धर्मांतरण ही नहीं करते, धर्मांतरण के साथ साथ मतांतरण कर देते, और मतांतरण के बाद वो राष्ट्रांतरण की नीति को लेकर चलते हैं, इसलिए इस देश को तोड़ना चाहते हैं। समाज को गुमराह करने का काम करती, समाज के प्रति उनके संवेदना कुछ भी नहीं है। हमने देखा है एक संगठन खड़ा हुआ जयस के नाम से, उसका मुखिया हीरालाल अलावा कांग्रेस से टिकट लेकर चुनाव लड़ता है। क्या कांग्रेस से टिकट लेकर चुनाव लड़ा और जयस के नाम से चुनाव लड़ा हो? जयस का प्रमुख कहलाता है। अगर समाज के प्रति संवेदन रहता, समाज के प्रति उनको चिंता रहती, तो आज जितने मुद्दे जयस ने उठाए थे वो सरकार, उनकी सरकार थी कांग्रेस सरकार, तब भी लागू करवा सकते थे। आज भी समाज के नाम से अगर सरकार के ऊपर लड़ सकते थे, कर रहे हैं क्या? ये तो गुमराह करने का काम है। और बाहर से लोगों को किराया देकर बुलाकर आंदोलन करवाना, स्थानीय लोगों को गुमराह करके आंदोलन में शामिल करवाना, पैसा देकर बुलाना, ये मैंने जैसा कहा है कि ये इनके पीछे, जेएस के पीछे कोई बहुत बड़ा संगठन जो विधर्मी है वो लगा हुआ है। सारा फंडिंग विदेशों से होता है, सारा फंडिंग विदेशी लोग करते हैं, और उनके मार्फत ये देश अपना काम चलाने का काम करता है।